बेस्ट करियर ऑप्शंस ओनली फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स। 12वीं खत्म होते होते अगर आपको 1 लाख पर मंथ वाला जॉब हाथ में चाहिए तो फिर इन एग्जाम्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। नंबर 1 जेईई मेंस एग्जाम। जेईई मेंस एग्जाम सिर्फ आईआईटी में ही सिलेक्शन के काम नहीं आता। जेईई मेंस के रैंक से आपको सीधा इंडियन आर्मी के टेक्निकल डिपार्टमेंट में एंट्री मिल सकता है, जिसमें कि आपको इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से फ्री में इंजीनियरिंग डिग्री करवाया जाएगा। डिग्री खत्म होने के बाद आपका जॉब इंडियन आर्मी में पक्का है, जिसका की सैलरी 58,000 से 1,80,000 तक जाता है। नंबर 2 इज बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। इस कोर्स को खत्म करने के बाद आप डायरेक्ट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस दौरान आपका सैलरी होगा 68,000 पर मंथ और ये बढ़ते बढ़ते 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ तक जाता है। इसके लिए IMU का एंट्रेंस देना जरूरी है। नंबर 3 इस NDA एग्जाम। 12th के बाद NDA के थ्रू आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सिलेक्शन होता है। आर्मी के लिए किसी भी स्ट्रीम का हो तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन नेवी और एयरफोर्स के लिए PCM डिग्री का होना जरूरी है। इसमें सैलरी 56,000 पर मंथ से 2.5 लाख पर मंथ तक जाता है। नेक्स्ट इज पायलट। पायलट बनने के बाद मिनिमम सैलरी 1.5 लाख से स्टार्ट होता है और एक्सपीरियंस के साथ सैलरी बढ़ते बढ़ते 12 लाख पर मंथ तक जाता है। इंडिया में पायलट बनने के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का होना जरूरी है, बट पायलट बनने के लिए मिनिमम खर्चा 30 से 35 लाख रुपए तक जाता है।